नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सरपार। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सहायक कृषि अधिकारी के बारे में, यानी कि सहायक कृषि अधिकारी की अगर बात करूं तो इसके अंदर योग्यता है वो क्या रहे क्या चाहिए, उम्र है वो क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और इसके लिए महत्वपूर्ण बुक्स है वो कौन सी है। तो चलिए सभी क्वेश्चनों के अपने एक एक करके बात करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले बात आती है कि क्वालिफिकेशन की, योग्यता की अगर मैं बात करूं तो यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करना चाहूं तो जिन बच्चों ने किया है बीएससी एग्रीकल्चर यानी बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है वो इसके लिए यानी कि क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि जिन बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज इसके लिए यानी कि 18 से 40, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है, यानी कि उनके लिए अलग अलग छूट दी जाती है, परंतु मिनिमम एज की अगर बात करो तो 18 है और मैक्सिमम एज है तो वो क्या है 40 है। उसके अलावा अगर बात करें अपने एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर अगर मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर क्या है, दो पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? दो पेपर होते हैं, यानी कि एक पेपर होता है फर्स्ट और एक होता है सेकंड। फर्स्ट पेपर की बात करूं तो फर्स्ट पेपर के अंदर क्या है आपका रहता है, एक तो सब्जेक्ट रहता है हिंदी और एक आपका सब्जेक्ट रहता है जीके, राजस्थान जीके। तो ये दो सब्जेक्ट हैं। हिंदी के टोटल अगर क्वेश्चनों की बात करूं तो कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हिंदी के क्या है 60 क्वेश्चन, और राजस्थान जीके के भी कितने क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन, यानी कि दोनों के 60-60। टोटल फर्स्ट पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है, यानी कि अगर बात करें फर्स्ट पेपर है वो टोटल अगर नंबरों की बात करें तो 360 नंबर का होता है, यानी कि 360 नंबर का होता है, यानी कि 120 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो पहला पेपर हो गया वो कितने नंबर का हो गया? 360 का। वहीं दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में भी क्वेश्चनों की संख्या है वो कितनी रहती है? 120 रहती है, और प्रत्येक क्वेश्चन के अगर अपने अंक की बात करें तो वो भी 3 रहते हैं। तो यानी कि ये भी कितने का हो गया? 360 का हो गया, ठीक है। ये भी क्या है? 360 का हो गया। तो अब देखो दोनों पेपरों की अगर बात करो तो दोनों पेपरों के कुल मिलाकर नंबरों की संख्या हो, कुल नंबरों की संख्या होती है वो क्या है? 720। तो इसके अंदर दो पेपर हुए, दो पेपरों के कुल नंबरों की संख्या है वो कितनी हो गई? 720। तो ये 720 नंबरों का आपके क्या है? दो पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें प्री और मेंस कुछ नहीं होता है, आपको दोनों को मिलाकर ही क्या है क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि पहला पेपर आप पास करोगे तो भी दूसरों में बैठ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही दिन के अंदर क्या है दोनों पेपर होते हैं आपके, तो यानी कि दोनों पेपरों को मिलाकर आपको क्या है जो मेरिट होती है उसको फाइट करना होता है। तो यानी कि टोटल 720। अब देखो इसमें से आपके 720 में से जितने नंबर आते हैं उनका यानी कि 40% आपका क्या है ऐड होता है, ठीक है। आगे समझाऊंगा मैं कैसे होता है। आगे बात कर लेते हैं अपने थोड़ी पहले कि नई भर्ती है वो कब आ सकती है। तो नई भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो मार्च 2022 से पहले पहले आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। संभावना कह रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से ही आएगी, परंतु संभावना है कि मार्च 2022 से पहले पहले आ जाएगी। कितने पद आ सकते हैं? तो अगर पदों की संख्या की बात करूँ तो मैं लगभग पदों की संख्या है वो लगभग 180 प्लस पद आ सकते हैं, यानी कि 180 के आसपास पद आएंगे नए, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू के अंदर और भी बात कर लेते हैं अपने, यानी कि 10वीं और 12वीं के मार्क्स है उनका क्या महत्व है। तो हम अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो हमने रिटर्न एग्जाम की बात की थी, रिटर्न एग्जाम है वो हमारे क्या है 720 नंबर का। तो रिटर्न एग्जाम के क्या है 40% अंक जुड़ते हैं, 20% अंक हमारे क्या है किसके जुड़ते हैं 10वीं और 12वीं के अंक होते हैं उनसे जुड़ते हैं, और 40% हमारे अंक है वो किससे जुड़ते हैं इंटरव्यू से जुड़ते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर क्या है हमारी जो मेरिट फाइनल मेरिट है वो इन तीनों को मिलाकर बनाई जाती है और उसके आधार पर ही सिलेक्शन दिया जाता है। यानी कि 40% हमारा जो रिटर्न एग्जाम होता है उसके अंक, 20% हमारे क्या है 10वीं और 12वीं, और प्लस में बीएससी हो रहा है भाई, ठीक है। 10वीं 12वीं और बीएससी इन तीनों को मिलाकर, यानी 10वीं 12वीं और बीएससी इन तीनों के अंकों को मिलाकर क्या है इसके अंदर ऐड किया जाता है, और 40% इंटरव्यू, इन तीनों को मिलाकर क्या है हमारी मेरिट है वो डिसाइड की जाती है। उसके अलावा अगर बात करें अपने इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के क्या लगभग यानी कि 40% के आसपास नंबर हमारे ऐड होते हैं, यानी कि 40%। धन्यवाद दोस्तों।